नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। पिछले सत्र में हमने त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांतों तथा परिसर पर लगने वाले उन प्रतिबंधों का अध्ययन किया था जिनसे उनके प्रतिलोमों का अस्तित्व सुनिश्चित होता है, और हमने आलेखों द्वारा प्रतिलोमों का अवलोकन भी किया था। हमने प्रांत, मुख्य शाखा और अन्य शाखाएं भी देखी थी, जो कि आप इस तालिका में देख सकते हैं। साइन प्रतिलोम, कॉस प्रतिलोम, कोसेकेन प्रतिलोम और अन्य प्रतिलोम। प्रांत, मुख्य शाखा और अन्य शाखा। साइन प्रतिलोम का अगर मैं कहूं तो प्रांत है संवृत अंतराल -1 से 1, मुख्य शाखा संवृत अंतराल -π/2 से π/2, और अन्य शाखा मिल रही है, देख भी सकते हैं, संवृत अंतराल -3π/2 से -π/2 और π/2 से 3π/2, ये भी हमारा संवृत अंतराल। ठीक है, अब हम इस सत्र में कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। वे गुणधर्म कैसे आए और इन्हीं गुणधर्मों पर कुछ प्रश्न भी करेंगे। सबसे पहला गुणधर्म, साइन प्रतिलोम -x = -sin(x) के, जहाँ x हमारा संवृत अंतराल -1 से 1 आ रहा है, यानी जो x है वह साइन प्रतिलोम के प्रांत में से आ रहा है। ठीक, दूसरा गुणधर्म, कोसेकेन प्रतिलोम -x = -cosecant(x) के, फिर से ये जो x है वह कोसेकेन प्रतिलोम के प्रांत में से आ रहा है। अगला हमारा गुणधर्म, टेन प्रतिलोम -x, ये किसके बराबर है, -tan(x) के, और ये x हमारा tan प्रतिलोम फलन के प्रांत में से आ रहा है। अब ये कैसे आया, एक पढ़ेंगे, बाकी आप स्वयं ही निकाल सकते हैं। मान लीजिए साइन प्रतिलोम -x = y के, तो साइन y बराबर हुआ -1x के। ठीक, -sin(y) = x के, sin (-y) = x के, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं sin (θ) = -sin(θ। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, -y किसके बराबर हुआ, साइन प्रतिलोम x के, और y हमने क्या माना था, साइन प्रतिलोम -x। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन प्रतिलोम -x किसके बराबर हुआ, ये माइनस का जो हमारा चिन्ह है सीधे हाथ पे जाने पर क्या बनेगा, -sin(π/2) और x हमारा कहाँ से आ रहा है, साइन प्रतिलोम के प्रांत में से, सिद्ध हो गया, देख सकते हैं वही मिल रहा है। इसी प्रकार आप अन्य गुणधर्म भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। अगर मैं आपको कहूँ साइन प्रतिलोम -1 का मान निकालें, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर हुआ, -sin(1) के। इसका मान आप जानते ही हैं, साइन प्रतिलोम 1 किसके बराबर होता है, π/2 के, तो यानी साइन प्रतिलोम -1 का मान कितना हुआ, -π/2। ठीक है, आइए कुछ और गुणधर्म देखें। ये हमारे पास कुछ और गुणधर्म हैं। ये हमें क्या बता रहे हैं, कॉस प्रतिलोम -x = π - cos(x) के, जहाँ x हमारा संवृत अंतराल -1 से 1 के बीच में आ रहा है। ऐसे ही सीकेंट प्रतिलोम -x = π - sec(x) के, जहाँ x हमारा सीकेंट प्रतिलोम के प्रांत में से आ रहा है। आखिरी
cot प्रतिलोम माइनस एक्स, ये बराबर है पाई माइनस cot प्रतिलोम x के। वही x हमारा जो सुनिश्चित प्रांत है cot प्रतिलोम का, उसमें से आ रहा है। इसमें से बच्चों हम पहला सिद्ध करेंगे, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। कैसे? cos प्रतिलोम माइनस x अगर हम मान ले y के बराबर है, तो cos y हो जाता है माइनस x के बराबर, और माइनस cos y किसके बराबर हो गया? x के। हम पहले ही एक गुणधर्म जानते हैं, वह क्या है? आप लोग जानते हैं कि cos pi माइनस थीटा को हम माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो यानी ये क्या हुआ? cos pi माइनस y बराबर में x, यानी pi माइनस y किसके बराबर हुआ? cos प्रतिलोम x के, और y हमने क्या माना था? cos प्रतिलोम माइनस x। तो इसमें इसका y का मान भर देंगे, cos इनवर्स यानी प्रतिलोम माइनस x, ये किसके बराबर हो गया? cos प्रतिलोम x। देख सकते हैं सिद्ध हो गया हमारा। इसी प्रकार आप अन्य गुणधर्म, ये जो दो हैं, वे भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, आइए कुछ और गुणधर्म देखें, उसके बाद हम देखेंगे उन पे आधारित प्रश्न और गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या बता रहा है? साइन प्रतिलोम x जमा कॉस प्रतिलोम x बराबर में पाई बटे दो, जहां x हमारा सुनिश्चित प्रांत में से आ रहा है। टेन प्रतिलोम x जमा कॉट प्रतिलोम x, ये भी बराबर पाई बटे दो, और आखिरी भी जैसे बाकी के कोसेकेंट प्रतिलोम x जमा सीकेंट प्रतिलोम x बराबर किसके है? पाई बटे दो। वैसे ही अगर मैं एक आपको सिद्ध करके दिखा दूं, तो आप बाकी दो आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए पहले वाले को सिद्ध करें। मान लेते हैं साइन प्रतिलोम x बराबर है y का, मान सकते हैं हम, यानी साइन y किसके बराबर हुआ? x के, लिख सकते हैं। हमारी प्रतिलोम की जो परिभाषा है उसने यही निष्कर्ष निकाला था। अगर हमें साइन को कॉस के रूप में लिखना है, तो आप ये गुणधर्म जानते हैं, वे क्या है? हम पाई बटे दो माइनस वाई लिख सकते हैं, तो यानी किसके बराबर हुआ? एक्स के। ठीक, यानी पाई बटे दो घटा वाई किसके बराबर हो गया? अब कॉस प्रतिलोम एक्स के, और y हमने क्या माना था? साइन प्रतिलोम x। तो y का मान अगर हम यहाँ भर दें, तो आप देख सकते हैं हमें गुणधर्म मिल जाएगा और हमारा गुणधर्म सिद्ध हो जाएगा, सिर्फ उन्हीं x के लिए जो कि क्या इसमें से आ रहे हैं? हमारे प्रांत में से आ रहे हैं, दोनों के प्रतिलोम, यानी साइन प्रतिलोम के प्रांत में से भी और कॉस प्रतिलोम के प्रांत। ठीक है, और दोनों का प्रांत समान ही है, हम जानते हैं संवृत अंतराल माइनस एक से एक तक। तो ये हमारा गुणधर्म बन गया पाई बटे दो माइनस साइन प्रतिलोम एक्स बराबर में कॉस प्रतिलोम एक्स, और देख सकते हैं ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अब बाकी दो भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए अब कुछ और गुणधर्म देखें। अगले दो गुणधर्म वे क्या है? tan प्रतिलोम x जमा में tan प्रतिलोम y बराबर है tan प्रतिलोम किसके? देख सकेंगे x जमा y बटे में एक घटा xy। ध्यान देंगे जो xy है वह हमारा एक से कम है, एक के बराबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक के बराबर होगा तो ये जो हमारा प्रतिलोम है वह सुपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार जो दूसरा गुणधर्म है
टेन प्रतिलोम x माइनस टेन प्रतिलोम y बराबर में टेन प्रतिलोम x माइनस y बटे में एक जमा में x प्लस एक्स वाई। ठीक, आइए इसको सिद्ध करें। इसमें भी हम पहला सिद्ध करेंगे, दूसरा आप उसी प्रकार सिद्ध करके देख सकते हैं। देखेंगे, अगर मैं tan प्रतिलोम x को a मान लें और tan प्रतिलोम y को b मान लें, ठीक, हमारे पास पहले से ही एक गुणधर्म हमें पता है। वे क्या है? हम इस गुणधर्म को पहले से ही जानते हैं, पहले ही आप लोगों ने पढ़ रखा है कक्षा 11वीं में। वे क्या है? tan a plus b यानी a जमा b किसके बराबर होता है? tan a जमा tan b बटे में एक घटा tan a गुणा में tan b। अगर इसकी जगह मैं x और y के रूप में लिखूं तो किस प्रकार लिखेंगे? tan प्रतिलोम x हमने a माना था, तो यानी हमारा tan a किसके बराबर हुआ? x के। तो tan a x, tan b बराबर y बटे में एक घटा x और y। ठीक, अब आगे देखेंगे। ये tan अगर हम यहां ले जाएं तो हमें पता है प्रतिलोम की परिभाषा से ये क्या बना, a जमा b बराबर में tan प्रतिलोम x जमा y बटे में एक घटा एक्स वाई। अब आप देख सकते हैं हमारा जो गुणधर्म है सिद्ध हो रहा है। क्या करें हम, हमें सिर्फ a और b का मान डालना है। आइए a और b का मान बाहर डाल दें। a क्या था? tan प्रतिलोम x भर दिया। b क्या है? tan प्रतिलोम y, वह भी रख दिया। और अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो गुणधर्म है वह मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार आप जो अन्य गुणधर्म था वह भी सिद्ध कर सकेंगे। आइए अब आके देखें, इसके अंदर आप देख सकते हैं हम दो tan प्रतिलोम x को अनेक प्रतिलोमों के रूप में व्यक्त किया है, जैसे कि दो tan प्रतिलोम x बराबर है sin प्रतिलोम 2x बटे में 1 जमा x के वर्ग, दो tan प्रतिलोम x बराबर है cos प्रतिलोम 1 घटा x का वर्ग बटे में x जमा x का वर्ग, और दो tan प्रतिलोम x बराबर है tan प्रतिलोम 2x बटे में 1 घटा x के वर्ग। इसमें भी हम एक पहले वाला गुणधर्म सिद्ध करेंगे, बाकी दो आप उसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। सीधे हाथ पे देखेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है? sin प्रतिलोम 2x बटे में 1 जमा x का वर्ग। अगर हम x की जगह tan थीटा भर दें तो हमें क्या मिलेगा? साइन प्रतिलोम 2 tan थीटा बटे में 1 जमा tan थीटा का वर्ग। बच्चों ध्यान देंगे, आप ये गुणधर्म पहले से ही जानते हैं। आप जानते हैं 2 tan थीटा बटे में 1 जमा tan थीटा का वर्ग साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो यानी साइन प्रतिलोम ये जो है हमारा किसके बराबर हुआ? साइन प्रतिलोम साइन 2 थीटा के बराबर। और परी जो हमारा क्या है प्रतिलोम की परिभाषा, उसे हमारा क्या पता चला? ये पता चलता है कि ये किसके बराबर हुआ? 2 थीटा के। ध्यान देंगे, x बराबर है tan थीटा के, तो थीटा किसके बराबर हुआ? tan प्रतिलोम x के। सिद्ध हो गया हमारा उल्टा हाथ बराबर में सीधा हाथ। इसी प्रकार आप अन्य गुणधर्म भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए अब इन पे हम कुछ प्रश्न लें। इसमें हमें सिद्ध करना है 9 पाई बटे 8 घटा 9 बटे 4 साइन प्रतिलोम 1 बटे 3 किसके बराबर है? 9 बटे 4 साइन प्रतिलोम 2 का वर्गमूल बटे 3 के।
तो आइए सबसे पहले हम उल्टा हाथ लेके चलें, यानी उल्टे हाथ पे हमें क्या दिया हुआ है, 9π/8 घटा 9/4 साइन प्रतिलोम 1/3। ध्यान देंगे हम इसमें से कुछ उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, फिर वे उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 9/4। 9/4 उभयनिष्ठ निकालने पर हमारे पास क्या बचा कोष्टक में, 2π/2 घटा में साइन प्रतिलोम 1/3। याद करेंगे अभी हमने एक गुणधर्म किया है, वह क्या है, साइन प्रतिलोम x जमा में कॉस प्रतिलोम x किसके बराबर होता है, 2π के, यानी 2π घटा में साइन प्रतिलोम 1/3 किसके बराबर हो गया, कॉस प्रतिलोम 1/3 के, वही हमने यहाँ लिख दिया। अब आप जानते हैं कॉस प्रतिलोम को 1/3 को अगर हमें साइन प्रतिलोम में लिखना है तो आसान है, कैसे लिखेंगे देखेंगे। कॉस प्रतिलोम 1/3 मान लेते हैं ये वाई है, तो यानी कॉस वाई किसके बराबर हुआ, 1/3 के। ये हमारा क्या बता रहा है कॉस वाई, भुजाओं का अनुपात, कौन सी भुजा, ये क्या है आधार 2π/कर्ण। अगर ये हमारा वाई है, ये समकोण है, ये समकोण त्रिभुज, तो कॉस वाई यानी आधार ये कर्ण 3, तो हम लंब निकाल सकते हैं। लंब निकालने पर आपको ज्ञात होगा लंब हमारा आ रहा है 2 का वर्गमूल। तो इसके आधार पर हम साइन वाई निकाल सकते हैं, साइन वाई कितना हुआ, लंब 2π, यानी किसका अनुपात, लंब और कर्ण का, ठीक, लंब कितना आया 2 का वर्गमूल, तो यानी साइन वाई कितना हो गया 2 का वर्गमूल 2π/3, तो वाई कितना हो गया साइन प्रतिलोम 2 का वर्गमूल 2π/3, ठीक, वही हम देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि हमने 9/4 कॉस प्रतिलोम 1/3 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 9/4 साइन प्रतिलोम 2 का वर्गमूल 2π/3, ठीक, सिद्ध हो गया। आइए अब दूसरा प्रश्न देखें, इस प्रश्न में हमें टेन प्रतिलोम कॉस एक्स 1 घटा साइन एक्स को सरल रूप में व्यक्त करना है। इस प्रश्न को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ गुणधर्म याद कराना चाहूँगी। याद करेंगे सबसे पहला, कॉस वर्ग थीटा जमा में साइन वर्ग थीटा हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। दूसरा गुणधर्म, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर यानी कॉस वर्ग थीटा घटा में साइन वर्ग थीटा के बराबर में हम लिख सकते हैं, ये गुणधर्म आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। और तीसरा गुणधर्म, साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारे 3 गुणधर्म हैं। ध्यान देंगे अब शुरू करेंगे हम अपना हल, हम लिख सकते हैं ये हमारा प्रश्न है। ध्यान देंगे इस कॉस एक्स को अगर हम दूसरा गुणधर्म लगाएं तो इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, यानी कॉस वर्ग एक्स 2 घटा में साइन वर्ग एक्स 2। एक को पहले गुणधर्म के अनुसार कॉस वर्ग एक्स 2 जमा में साइन वर्ग एक्स 2 और साइन एक्स को तीसरे गुणधर्म के अनुसार 2 साइन एक्स 2 और कॉस एक्स 2 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये व्यक्त करने के लिए जैसे हम व्यक्त करेंगे आप देखेंगे कि हमारी कुछ सरसमिकाएं लग रही हैं। ध्यान देंगे a का वर्ग घटा का b का वर्ग सरसमिका है,
किसको, यानी ए का वर्ग घटामे बी का वर्ग। ये सरसमिका किसके बराबर है, ए माइनस बी यानी ए घटा बी, ए जमा बी। इसी हमने इसको व्यक्त किया, कॉस एक्स बटे में दो घटा में साइन एक्स बटे में दो, कॉस एक्स बटे में दो जमा में साइन एक्स बटे में दो। ठीक, जो हर है हमने वैसे ही लिख लिया। अब आगे देखेंगे, इस हर को भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हमारी एक सर्वसमिका लग रही है। कौन सी, ध्यान देंगे, ए घटा में बी का वर्ग यानी पूर्ण का वर्ग। देखेंगे ये किसके बराबर है, ए का वर्ग जमा बी का वर्ग घटा में दो ए बी। ए हमारा क्या है, कॉस एक्स बटे दो, और बी क्या है, साइन एक्स बटे दो। तो यानी हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसे हम देखेंगे, टेन प्रतिलोम कोष्टक में कॉस एक्स बटे दो घटा में साइन एक्स बटे दो गुणा एक्स कॉस एक्स बटे दो जमा में साइन एक्स बटे दो। हर के अंदर कॉस एक्स बटे दो घटा में साइन एक्स बटे दो का पूर्ण का वर्ग, ये हमें मिला। बच्चों ध्यान देंगे, आगे हल करने पर देख सकते हैं हम, यहाँ इसमें से एक हमारा जो कॉस एक्स बटे दो माइनस साइन एक्स बटे दो क्या करेंगे, काट सकते हैं। काटने पर हमें क्या मिलेगा, टेन प्रतिलोम कोष्टक के अंदर कॉस एक्स बटे दो जमा में साइन एक्स बटे दो बटे में कॉस एक्स बटे दो घटा में साइन एक्स बटे दो। अगर हम अंश और हर को कॉस एक्स बटे दो से भाग दें तो हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर हम कॉस एक्स बटे दो को कॉस एक्स बटे दो से ही भाग करें तो एक मिल रहा है, यानी हम ये कर रही हैं। भाग कर दिया अंश और हर को हमने किससे, कॉस एक्स बटे दो से। इसको हल करने पर हम पाएंगे टेन प्रतिलोम एक जमा साइन और कॉस क्या बना, टेन, तो एक जमा टेन एक्स बटे दो बटे में एक घटा टेन एक्स बटे दो। ठीक, ध्यान देंगे, अगर मैं इस एक की जगह टेन पाई बाय यानी पाई बटे में चार लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टेन पाई बटे चार का मान एक होता है, यहां भी एक गुणा है। अगर इधर टेन पाई बाय चार लिख दें तो हमारा गुणधर्म बन रहा है, वे गुणधर्म कौन सा बन रहा है, टेन ए प्लस बी का, जहां ए पाई बटे चार है और बी एक्स बटे दो, वही हमने यहां लिख दिया। टेन प्रतिलोम कोष्टक में टेन पाई बटे चार जमा में एक्स बटे दो। प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार हम पाते हैं ये किसके बराबर है, पाई बटे चार जमा एक्स बटे दो के। ये हमारा क्या है, सरल रूप, इसी रूप में हमें व्यक्त करना था, इससे ज्यादा हम सरल कर सकते हैं नहीं, तो यही हमारा सरलतम रूप है। ठीक, आइए अब आखिरी में एक प्रश्न और लें। इस प्रश्न में भी हमें सरल रूप में व्यक्त करना है और x का मान बताना है। हमारे पास tan प्रतिलोम 2x जमा में tan प्रतिलोम 3x बराबर दिया हुआ है पाई बटे 4 का, और सरल करते हुए हमें x का मान भी बताना है। ध्यान देंगे, हम गुणधर्म पढ़ चुके हैं किसका, tan प्रतिलोम x जमा tan प्रतिलोम y का। अभी हमने इसी सत्र में पढ़ा था ये किसके बराबर है, tan प्रतिलोम x जमा y बटे में एक घटा एक्स वाई। ठीक, इसी के बराबर था। ध्यान देंगे, यहाँ x क्या है, 2x, और y की जगह 3x,
मान भर दें इसी गुणधर्म में, तो आप पाएंगे टेन प्रतिलोम 2x जमा में 3x बटे में 1 घटा 2x गुणा में 3x बराबर में पाए बटे में 4, ये हमें दिया हुआ है। अब हल करने पर देख सकते हैं कोष्टक के भीतर हमें क्या मिला, 5x बटे में 1 घटा में 6x का वर्ग। प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार सीधे हाथ पे जाने पर टेन प्रतिलोम हमारा 10 बन जाएगा, यानी हमारे पास क्या मिला 5x बटे में 1 घटा 6x का वर्ग बराबर में 10 पाई बटे 4। अभी हमने बताया था कि 10 पाई बटे 4 का मान 1 होता है, ठीक। तो यानी ये हमारी समीकरण बन गया, और इस समीकरण को हल जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास x के दो मान आए, वे क्या है 1/6 और माइनस का 1। देख सकते हैं जो माइनस का 1 है वे संतुष्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो उल्टे हाथ का मान है वो क्या आएगा माइनस में, यानी ऋण आएगा। इसीलिए जो हमारे पास समीकरण का, यानी इस पूरे समीकरण का जो हल है वह क्या रहेगा x बराबर में 1/6, ठीक। तो आशा करते हैं बच्चों आज के इस सत्र में आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ नए गुणधर्म भी सीखे, उन गुणधर्मों को कैसे सिद्ध करना है वह भी सीखा, और उन पर आधारित प्रश्न भी किए। तो आशा करते हैं कि आपको इस सत्र में आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।